धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को बताया था कि ईसाइयों के चंगुल से किस तरीके से लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म में आने लगे हैं। इसका एक जीता जागता नमूना मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ईसाई लोग किस तरीके से हिंदू घराने वालों को बहका फुसला कर या बहला फुसला कर किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनकी जुबानी आप सुनिए। धन्यवाद। ज्ञानी चरण के चक्कर में फंसा हुआ बात कही उनसे, ठीक है, ज्ञानी चरण के चक्कर में फंसा हुआ यकीन नहीं आ रहा। नमस्कार सर। हाँ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ सर, हमने भी नाम ले लिया था, बात अब आप हमारे को समझाओ। मैं ये पहली बात तो है कि परमात्मा मानव मात्र का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का, एक संप्रदाय विशेष का नहीं है। सबसे पहली बात। हाँ जी, तो इस चीज को ये जानते ही नहीं है, और बाइबल में सब उल्टा पुल्टा जो मन में आया वो कि लिख रहा है कि ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। भाई, ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, जो मेरे भी बहुत सारे पादरियों से डिबेट हुआ है, तो मेरा यही सवाल है, ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था वो देखा किसने, बिना देखे कैसे लिख दिया? सही बात है, देखेंगे क्यों। हाँ। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि जल के ऊपर अंधेरा था। अब जल के ऊपर अंधेरा होता है कि जल के नीचे अंधेरा होता है? तो ये ज्ञान भी बाइबल को नहीं है। ये ज्ञानी चंद गौरव शर्मा, ये एक इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे भाई तरसेम सिंह जी भी काफी दिन तक इन लोगों के साथ रहे हैं, और इनको तो ए टू जेड सब पता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वहां पर। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, भाई तरसेम चंद जी ये मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, और काफी दिन तक इन्होंने ईसाई संप्रदाय में पादरी बन करके रहे हैं, गुरु बन करके रहे हैं। ये नहीं कि साधारण गुरु, यानी ईसाइयों के गुरु बन करके रहे हैं, फादर कहलाने वाले बन करके रहे हैं। ये इनको फादर कहा जाता है। कल आपने सुना ना, धर्मवीर जी ने पूछा कैरी से कि भाई तुम अपने माँ के भी फादर हो। और ये तरसेम चंद जी ये हिंदू घराने से हैं, और ये लोग टारगेट करते हैं उन लोगों को, और नाम बदल करके ईसाई नाम इनको नहीं देते। इनके अंदर में कितना भेदभाव होता है, किस तरीके से ये भेदभाव रखते हैं। भाई तरसेम चंद जी घर वापस आ करके इन्होंने सारा खोल खोल करके बताया, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को सुनाया हूं। तो ये तरसेम चंद जी, जिनको मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस लाया, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापस आए और उन्होंने पश्चाताप क्या किया कि उन्होंने कहा कि पंडित जी ये जो ये दिखाते हैं, ये मरीज ठीक कर देंगे, ये कोड़ी ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, ये ईसा मसीह करते थे, ये इसकी ही नकल करते हैं, और उन लोगों को ये दवा दी जाती है, ये दवा दे करके उनके ब्रेन वॉश करते हैं, उनके दिमाग में एक बोधरेशन पैदा करते हैं, दिमाग को संकुचित कर देते हैं, इन नशा की गोली दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से भी एक मरीज को बहुत हाई डोज दे दिया गया। जब हाई डोज दे दिया गया तो उसमें
मैं अपने आप ही पश्चाताप किया हूँ। ये भाई तरसेम चंद जी ने खुद कहा, वो वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाया हूँ, और उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं एहसास करने लगा कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। और ये कितने बड़े पापी हैं ये ईसाई लोग, कि किस तरीके से अपने पाप तरीके से ये पाखंड मचा रहे हैं, भाई तरसेम चंद जी सुनाए। तो ये एक जिनसे बात हो रही है ये तरसेम चंद जी के माध्यम से, वो भी हिंदू ही है, और हिंदू से उनको ईसाई बनाया गया है, उनकी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, सुनिए उनको पूरा। हाँ, ये जो ढोंग करते हैं ना, बच्चे अच्छा कर देंगे तो सब मरीज अच्छा कर देंगे, वो कर देंगे, वो असल में ये ईसा मसीह को परमात्मा ने कोढ़ी को ठीक करना, अंधों को आंख देना, और मुर्दा को जिंदा करना, मिट्टी का चिड़िया बना करके उसको उड़ाना, ये सब ईसा मसीह को यहोवा ने परमेश्वर ने ये उनको दिया था। अब ये बताइए कि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को मुर्दा को जिंदा करने का क्षमता दे सकता है क्या? नहीं जी। तो ये सब कपोल कल्पित पुराण में भी है और बाइबल में भी है। तो इस तरीके की बातें हैं, या हम लोग मानव हैं, पहले हम लोग मानव हैं, बाद में कुछ और है। मानव कौन होता है? मानव वही होता है जो अन्नों के सुख दुख लाभ और हानि को समझे, जो सत को स्वीकार करे, असत को त्याग दे। अब ये असत को त्याग देने के बजाय असत को ही गले लगाए हुए हैं। वैसा मैं आपको बताऊं, हमारे भाई तरसेम सिंह जी ये भी मेरे पीछे पड़े रहे बहुत दिन तक के पंडित जी को ईसाई बनाओ। लेकिन हाँ, लेकिन इनको सच्चाई मैंने दिखाया, बताया कि सच्चाई ये समझ गए, और ये तो एक जो ये ठीक करते हैं ना, मरीजों को बताते हैं, उनको दवा दारू दे करके ये सब नाटक किया जाता है। ये दिल्ली में अभी पकड़े गए, वहां सुदर्शन न्यूज चैनल में दिखाया जो तालकटोरे स्टेडियम में हो रहा था। पंडित जी ने करवाया वो राम बाबू को, नाटक कर रहे हैं उसका। राम बाबू जो दिल्ली में पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा, और आज धर्मवीर जी के पास भी एक वीडियो किसी ने भेजा है, और वो उसमें माइक लगा करके वो उसको एड्स को बोल रहा है, एड्स भाग जा, बताइए क्या तमाशा है ये। और ये अकल के दुश्मन वहीं जा करके मर रहे हैं। अरे उसको एड्स भगाना है तो एड्स भगा दवाई से भगाया जाता है एड्स को, या उसको बाइबल पढ़ करके या प्रेयर करके एड्स भगाया जाएगा? और वो छटपटा रहा है कि एड्स भाग जा, एड्स भाग जा। ये राम बाबू वही राम बाबू है, ये राम भी है और बाबू भी है। भाई तू ईसा बाबू क्यों नहीं है, मसीह बाबू क्यों नहीं है, राम बाबू है। कहे केवल हिंदुओं के साथ ये धोखा हो रहा है, और हिंदुओं के साथ ये धोखाबाजी चल रही है। लेकिन हिंदू भी अकल के अंधे और गांठ के पूरे हैं, ये भी समझदार नहीं है। अगर ये हिंदू कौम समझदार हो गई होती तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन हिंदू समझने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू देख करके भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी राहुल को जो जिताया है, या सोनिया को भी जिताया, मैं सोनिया को भी, सोनिया के लिए मैं कहा था ना कि जो ईसाई मिशनरी मुझे महेंद्र पाल आर्य को राहुल के नाम से कांग्रेस का प्रचार, राहुल के नाम से प्रचार करने के लिए क्या क्या ऑफर दे दिया है, और राज्यसभा सदस्य बना देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जब ईसाई लोग बोल रहे हैं, पर हिंदू ये समझने के लिए था, यानी रायबरेली वाले हिंदू ये विश्वासघाती है जो सोनिया को जिताया है इन्होंने। और वो रायबरेली, जबकि ईसाई वहां बिका हुआ, मैं पहले भी बोला था कि रायबरेली में जो खोया मंडी है, खोया मंडी उसी आर्य समाज के सामने में बाजार लगती है खोया मंडी, और वो आर्य समाज जो है गिरजाघर में बना हुआ है, गिरजाघर खरीद करके बनाया गया है वहां पर। तो उसी रायबरेली में ईसाइयों का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन ये रायबरेली हिंदू होकर के भी सोनिया गांधी को जिताया, ये बहुत बड़ा विश्वासघात किया भारत के साथ। और ये यही करते हैं यही लोग। देखिए ये राम बाबू जो मैं बता रहा था, राम बाबू नाम कोई भाई तरसेम चंद जी ने भी बताया, उस व्यक्ति से ही बता रहे हैं कि वो ये राम बाबू पिछले दिन जो दिल्ली में नाटक कर रहा था, उसी नाटक में जो एक बागी आपके हैं, आपके माने आप लोगों के नहीं, ये खिचड़ीवाल के पार्टी का जो एक बागी बन गया ना, कौन
तो वो उसको वहां गया था और सुदर्शन न्यूज चैनल वालों को उसने सूचना दी थी, और वो बड़ा मुश्किल से वो कैमरा में यानी मोबाइल में वो सारा रिकॉर्डिंग किया है। उसका मोबाइल छीन लिया गया था, बहुत बड़ा नाटक हुआ वहां पर। तो कहने का तात्पर्य ये राम बाबू बन करके ये हिंदुओं को ही वरगला रहे हैं। अरे भाई, तुझे एड्स बीमारी अगर ठीक करनी है तो क्या ईसाई देशों में कोई एड्स की बीमार नहीं है? ये ईसाई कंट्री में कोई मरीज और नहीं है? भारत में ही सब मरीजों को ठीक करने का ठेका लिया है इन्होंने। अगर मरीजों का ठेका लिया है ठीक करने का, तो हॉस्पिटल में मरीजों को ठेका लेना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को स्वस्थ प्रदान करना चाहिए, या हडिसों को मरीजों को हॉस्पिटल में जाकर के स्वस्थ बना देना चाहिए। वहां नहीं हो रहा है, ये केवल हिंदुओं को भी, वहां शर्त क्या है? ईसाई बनो। और ये मदर टेरेसा भी यही करती रही, जो मदर बोलते हैं। अब किसको जनी थी ये? हिंदू अपने माँ को माँ कहते या नहीं कहते मुझे संदेह है, लेकिन टेरेसा को माँ कहने में जरा सभी संकोच नहीं करते। डबल रोटी और दवा के नाम से गरीब भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाया, यही मरते दम तक यही करती रही वो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब ईसाई लोग किस तरीके से छटपटा रहे हैं ईसाइयत से निकलने के लिए, वो सुनिए। ये दीनाकरण है, एक वो पादरी केरी है जो बेंगलोर से है, और पादरी तो वो कितना बार मेरे पास गिर गिराया, पांव पड़ता हूँ पंडित जी, हाथ जोड़ता हूँ, नाच रगड़ता हूँ। हाँ, ये सब बकायदा रिकॉर्डिंग है और यूट्यूब में लगा हुआ है ये सारा रिकॉर्ड। कोई कुछ नहीं आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? आप इनसे पूछो, कोई पूछे जो मेरे से पूछे इनसे पूछो, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरी बात है कि भाई साहब, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे भाई दर्शन चंद जी ये गवाह है। हमें रात रंगीन करेंगे तो 20 साल की छोकरी देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, सारा लिख करके दिया, बोल करके दिया, वो सारा रिकॉर्डिंग बिल्कुल अब तक रिकॉर्ड है और वो यूट्यूब में लगा हुआ है। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि मैं बचा रहा, मैं हाँ, मैं अपने सच्चाई से अलग नहीं हटा। ठीक है सर, हम एक दो बार चर्च में गए हैं। हाँ, वहाँ आते हैं, किसी में भूत बड़े होता है, किसी में कुछ बड़े होता है, वहाँ दिखाते हैं निकालते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी पिछले दिन, आज से कई महीना पहले, ताल कटोरा स्टेडियम में वही दिखा रहा था, और ठीक करे करके। तो वो जो कार्यक्रम होता है ना, वो सब दवाई ववाई उनको दिया जाता है, दवाई दे करके सब। तो भाई, तुम पागलपन ठीक करते हो, तो तुम्हारे ईसाई देश में कोई पागल नहीं है क्या? कोई अंधा नहीं है क्या? कोई लंगड़ा लूला नहीं है क्या? उनको ठीक ही नहीं किया गया। अच्छा, अच्छा, फिर दूसरी बात है कि अगर मरीज को ठीक करना है तो मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो दिल्ली के एम्स में लोग लाइन लगाए पड़े हैं, वहां पर जाकर के क्यों नहीं ठीक करते मरीजों को? सही बात है। तो ये पूरा पाखंड है भाई जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो परमात्मा की ऐसी दया है कि भाई दर्शन चंद जी, इन्होंने सच्चाई को जाना, और इन्होंने फौरन सच्चाई को जानने के बाद इन्होंने फौरन सच्चाई को स्वीकार किया है कि परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि मैं अंधकार से निकल आया। अब ये बताइए ना कि ईसा मसीह को, यीशु को ईश्वर पुत्र बताया जाता है, तो ईश्वर का पुत्र अगर यीशु होंगे तो हम लोग ईश्वर के पुत्र नहीं है क्या? हम लोग तो परमात्मा को पिता तुम्हें बंधु का तुम्हें बोलते हैं, और वेद में भी आया है तुम हिना पिता बसो तुम माता सतो तो बहु आधार से सुन में। जो परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं दुनिया के लोग, तो ईसा मसीह अगर एकड़ोते बेटे हो जाएंगे तो क्या हम सब सौसले बेटे बनेंगे उनके? ईश्वर का बेटा होने का क्या मतलब है? ईश्वर का कोई बेटा हो, ईश्वर क्या किसी को कैसे जन्म दे देंगे? सही बात है, ईश्वर तो खुद ईश्वर है, और किसी को क्या जन्म देंगे? भाई, ईश्वर तो वही है ना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है। उसका स्वाभाविक गुण है प्राणी मात्र का कल्याण करना, ये है ईश्वर। ठीक है,
जो सृष्टि की रचना करे उसको स्थिति में लाए, उसका प्रलय कर दे, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दे, जैसा करे वैसा फल उनको दे। अब ये वो कर्म का फल देने के बजाय बोले तुम्हारा पाप हम अपने ऊपर लिखा, भाई खाए हम और पेट आपका भर, ये कैसा होगा? सही बात है, आप क्यों फादर बोलते हैं? ये तो फादर कौन है? फादर आपका पिताजी आपका फादर है, अब हम लोगों को फादर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं फादर? ठीक है जी। अच्छा पंडित जी, अच्छा एक इनको मैं बता रहा था कि ले व्यवस्था चैप्टर नंबर 26, ले व्यवस्था चैप्टर नंबर 26 और उसका वर्ष नंबर है आप 28, 29, 30, ठीक है? उसमें देखोगे अगर भूख लगने पर आपको भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो आप अपने बच्चों को काट के खा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो नहीं, वो तो विष्ठा से भी रोटी बनाने की बात करी गई, वो तो करी गई है। इनको समझा रहा था मैं, ये ज्ञानी चंद के चक्रों में फंसे हैं और मैंने इनको आपका नंबर दिया, मैं कल जाएगा तो उधर ज्ञानी चंद को बात कराना, ज्ञानी चंद की। हाँ ज्ञानी चंद की मेरी बात कर रहा है, अब ज्ञानी चंद बिगड़ा, मैं ये कैरी से बात किया ना, कैरी से जब ना कर तो वो ज्ञानी चंद उसमें बोला कि ज्ञानी चंद बोला वो तो वो बोला मैं नहीं था, भाई तुम नहीं थे तो वो तो हमें क्या पता, वो तो कैरी बता रहा है कि पंडित जी मेरे पास ज्ञानी चंद जी है। अच्छा एक बात और, इनको इनको लिया दिया कुछ भी नहीं है, पैसा इनको एक भी नहीं दिया है, पता है ऐसे इनको एक कर दिया, इनको एक भी पैसा नहीं दिया। बिना पैसे कहीं इनका हो गया बॉन्ड हो गया, ठीक है? तो मैं इनको बता रहा हूँ यार, कम से कम अपने ऐसे का पैसा लेके तो भगता कम से कम इनको दे रहे थे, ठीक है? ठीक है ना जी, तो वो चीज है, ठीक है गुरुजी है। हाँ तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि हमको दुनिया को सच बताना है, हमें झूठ बोल करके दुनिया को वरगलाना नहीं है, ये मानवता मानवता विपरीत है। हाँ ठीक है जी, मानवता विपरीत है, वही तो बात है ना। मैं भाई मेरे को मिल गया जी, मैं भाभी मैं आना जाना शुरू कर दिया बीच में, ठीक है? अपने पुराने इसमें गया भी, अभी मेरे कोई आंख उठा के नहीं देखता, ठीक है? तो ठीक है, तो एक दो बार तो ज्ञानी के सामने पढ़ा हूँ, लेकिन वो देखता तेरी की नजर में देखता, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता अपना, ठीक है? कुछ ना गाली दी है आपके नाम से मुझे। अच्छा मैंने कहा कि भाई तुम हरियाणा के हो वो भी मैं जानता हूँ, बाकी जो भी कुछ कह रहे हो उनके लिए वो सच्चे व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने सच्चाई को अपनाया। तुमका गाली देने से उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा या मेरे ऊपर असर पड़ेगा? मेरा बाप का क्या बिगड़ रहा है? तुम गाली तुम दे, तुम्हारी जुबान खराब होगी, ठीक है? तुम कैसे गाली गाली दे रहे हो, ये बोलता वो ये था ये किया वो किया, भाई तो कुछ भी किया, लेकिन तुम्हारे जैसे वो अंधकार में फंसे पड़े नहीं है, वो प्रकाश, उन्होंने प्रकाश को ढूंढ लिया। नहीं नहीं सबसे बड़ी बात है ना, अभी तो एक तो अभी दोबारा मोदी गवर्नमेंट आ गई, राहुल गांधी चुप्पी हो गया बिल्कुल ही अभी, ठीक है? अभी इसलिए इनकी तो और मतलब इनकी हिंदी हालत है अभी, समझ रहे हो? अभी पैसा देना इतना है नहीं इनके पास जितना होना चाहिए, ठीक है? तो ये राहुल गांधी के प्रचार के लिए मेरा कितना खुशामद किया, कितने ये पैसा देंगे, ये पैसा देंगे, राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, क्या क्या बोला। सही बात है, ठीक है, रिकॉर्ड है, ठीक है। गुरु जी इनका नाम राजेंद्र है जी, ठीक है? अच्छा राजेंद्र इनका नाम है, तो काफी मतलब ये मतलब काफी ये मोटिवेट हो चुके थे कि मतलब ऐसे भूत बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है, मैं पूरा समझाते हैं भूत बात नहीं बढ़ते, भूत बढ़ जाते हैं, वो आपके माइंड का प्रोग्राम किया जाता है। ये भाई राजेंद्र जी कहाँ के हैं? ये राजेंद्र जी भी हरियाणा के रहने वाले हैं, फिलहाल पंजाब में है ये। अच्छा ठीक है, तो मेरा नंबर उनको दे दीजिए, मेरा नंबर उनको दे दीजिए, और मेरे से जब मन करे तब बात कर लेना, वो हमारे ठीक है जी, हमारे भाई है, मैं उनके साथ हूँ और रहूंगा, ठीक है जी, ठीक है। सब जैसा ना कि नए नए भी इसमें है तो कहीं आर्य समाज की तरफ से थोड़ा मतलब इनका हेल्प मतलब हो जाए, बंदे को तंग करेंगे बीच में ना, ठीक है? जब ये छोड़ेंगे तो मतलब बंदे तंग करेंगे, इनको तो पैसा भी नहीं दिया उन लोगों ने, पैसा है नहीं इनके पास, इनके पास पहले तो पहले जितना पैसा था इनके पास पैसा है ही नहीं, ठीक है? इनका पैसे पक्षी मारा था तो बात करना कितना क्या दिया आपको। हेलो सर जी जी, हाँ हम हमको कुछ नहीं दिया सुनकर, हम चर्च में जाते हैं 100-200 रुपया दे के आते हैं। हाँ जी हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने, बस कल नाम दिया था, नाम जपो अरबा सुखी रहो बस। नाम जपने से कोई सुखी होता है क्या? रसगुल्ला रसगुल्ला बोलेंगे मुंह मीठा हो जाएगा। अच्छा आप मेरा नंबर ले लीजिए और
मेरे साथ निरंतर आप संपर्क में रहिए, जब आपके पे मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और जैसा भी होगा अपने हिसाब से मैं प्रयास करूँगा। इनसे बॉन्ड भी लिखा दिया, कुछ करा दिया इनसे, डुबकी भी लूंगा दिया पानी में, लेकिन पैसा नहीं दिया। वही चीज है ना, रगड़ गया क्या नीचे दिन को। ठीक है ठीक है, अच्छा गुरु जी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप लोगों ने सुना, ये जो बोल रहे थे तरसेम चंद नाम है इनका, ये ईसाई हो गए थे और काफी वर्ष तक ये रहे, ये पादरी बन करके रहे, गुरु बन करके रहे, लोगों से पैर पुजवाते रहे, ये सब बातें। लेकिन मेरे टच में जब आए, मैं सत का रूबरू कराया इन्हें, और सत से मैंने जोड़ने का, उनको खुद जुड़ने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने सच्चाई को अपनाकर ईसाइयों मत को तिलांजलि दिया। अब उनके सामने में भी बात आ रही है, ये राजेंद्र जी, ये भी मूल रूप से हरियाणा के हैं बता रहे हैं, लेकिन इस समय पंजाब में सेटल हैं। तो ये इस तरीके से तरसेम चंद जी ने उनको बताया कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम पंडित महेंद्रपाल जी से बात करो। तो ये उन्होंने ये संपर्क कराया था। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पाता कि है क्या परेशानी। ये हिंदू ही ईसाई बन रहे हैं, हिंदू ही मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू घराने के लड़का हो या लड़की यही ईसाई बन रहे हैं और यही मुसलमान बन रहे हैं, कहीं जाकिर नाई के माध्यम से बन रहे हैं, कहीं राम बाबू के माध्यम से बन रहे हैं। क्यों इतना सस्ता क्यों बने हिंदू? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अपने को नहीं जानता है। मैं बोला ना कि हिंदू ही अगर सुधर जाए तो किसी और की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने कसम खा रखी है सुधरना नहीं है, सत को अपनाना नहीं है। अब सत को क्या अपनाए, कहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो भारत का प्रधानमंत्री है उनको भी ये आता पता नहीं है, वो कहीं सीढ़ी को नमस्ते कर रहे हैं तो कहीं मूर्ति को मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, कहीं मजारों में चादर चढ़ा रहे हैं। जब देश का संचालन करता ही अंधकार में विचरण करने वाले हों, देश का दिशा निर्देश करने वाले ही अगर इस प्रकार से अंधकार में विचरण करे, तो वो दुनिया को क्या रास्ता बताएंगे? यानी रास्ता बताने वाले को रास्ता का पता होना चाहिए। इसीलिए ऋषि देव दयानंद ने सत्या प्रकाश के छठा समुल्लास में राजधर्म पर एक चैप्टर उन्होंने लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, और राजा का संज्ञा उन्होंने दिया है बिजली जैसी, अर्थात कड़क, जब वो आसमान से गिरती है बिजली और फौरन वो उठ के कहाँ चली जाती है उसका कुछ पता नहीं होता है, कि राजा को ऐसा होना चाहिए। और राजा को धर्म शास्त्र जानना चाहिए, राजा को वेद जानना चाहिए। ये तो वेद का वह नहीं जानती है, 5000 साल बता रहे वेद को, ये वेद का वह नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों को खुल करके बता रहा हूं, अगर सही अर्थों में इस राष्ट्र को वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ा नहीं जाता है तो इस राष्ट्र का बचाया जाना संभव नहीं है। और जिन्हें आप राष्ट्रवादी कहकर, जिन्हें आप राष्ट्रभक्त कहकर, जिन्हें आप क्या क्या संज्ञा दे करके आपने दोबारा पहुंचा दिया है, अब उनकी रवैया देखिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर सही अर्थों में सोने की चिड़िया बनानी हो या बनाना चाहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, तो ऋषि मुनियों ने वेदों की तरफ लौटने की बात की है। इसलिए आइए इस राष्ट्र के अंदर में, इस राष्ट्र को सही अर्थों में बचाने के लिए, राष्ट्र को सही अर्थों में दिशा निर्देश देने के लिए, मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए, मानव मात्र का कल्याण जिस तरीके से परमात्मा चाहते हैं, ऐसे ही मानव मात्र का कल्याण चाहने के लिए वैदिक संस्कृति के पास आना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था ये 8 बजे वाला प्रोग्राम News 18 में, वहां पर एक हाजी साहब को, ये जो लड़की है वो डांट रही थी, वो हाजी साहब बोला कि हम इनको इनके भाषा में हमें जवाब देना चाहिए। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है, और भाषा इनकी भाषा में तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी भाषा तो अरबी है, इनकी भाषा अरबी नहीं है, इनकी भाषा तो संस्कृत है, हाजी साहब क्या जवाब दोगे? और वहां पर साजिद रशीदी बैठे थे और इलिया सरफुद्दीन भी बैठे थे, जो IRF के स्पोक पर्सन है।
जब आईआरएफ पर प्रतिबंध लगा है और आईआरएफ के सदस्य को उसके स्पोक पर्सन को कैसे ये दूरदर्शन में बुलाते, ये भी मैं नहीं समझ पाया। और इन लोगों की बोलती मिनटों में बंद हो सकती है, मिनटों में, एक मिनट पर चुटकी बजाते बजाते बोलती बंद। मैं जुबान खोलने नहीं दूंगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और ये वेद के आधार पर ही होना है। इसलिए राष्ट्र निर्माण पार्टी के नाम से एक पार्टी है जो ठाकुर विक्रम सिंह जी के द्वारा उसकी स्थापना हुई है। ठाकुर विक्रम सिंह जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो वैदिक विद्वान है और इत्तेफाक से मेरे गुरु भाई हैं। वो अमर स्वामी जी के शिष्य हैं, वो प्रथम बैच के शिष्य थे और मैं अंतिम बैच का शिष्य रहा। ठाकुर अमर सिंह जी जो शास्त्रार्थ महारथी थे, ईसाइयों से, मुसलमानों से, पौराणिकों से, उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी और विशेष करके कलकत्ता आर्य समाज जो 19 विधान सरणी है उसके वो पुरोहित थे। मैं आप लोगों को आज एक बात और बता देता हूँ, इन आर्य समाजों को भी बता देता हूँ कि मेरे गुरु जी कैसे थे। एक बार की बात है कि एक मंत्री जी ने कहा कि पंडित जी आप अनुशासन में नहीं रहते, तो उनका नाम उन दिनों में ठाकुर अमर सिंह था, तो उन्होंने कहा मंत्री जी क्या बोला आपने कि आप अनुशासन में नहीं रहते, यानी पंडित जी वहां थे नहीं, कोई बात हो गई हुई होगी तो मंत्री ने बोला। तो पंडित जी ने फिर पूछा क्या बोला आपने कि आप अनुशासन में नहीं रहते, बोले नहीं उससे पहले भी एक शब्द आपने बोली, तो बोले पंडित जी, तो बोले क्या बोला फिर दोबारा बोलिए कि पंडित जी आप अनुशासन ही। मेरे गुरु जी अमर स्वामी जी ने कहा कि पंडित मैं पंडित हूं, बोले जी हाँ, तो बोले पंडित मैं हूं और अनुशासन आपका चले, रखिए आप अपना अनुशासन। उसी दिन ही त्याग पत्र लिख करके वापस चले गए गाजियाबाद। ऐसे गुरु के शिष्य है ठाकुर अमर सिंह जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी। ठाकुर विक्रम सिंह जी वैदिक विद्वान हैं और शास्त्रार्थ महारथी हैं। उन्होंने भी बड़ा प्रचार किया, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, उन्होंने इस देश की नजाकत को देखते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण पार्टी के नाम से राजनीति पार्टी बनाई है। इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों से, जो मुझे चाहने वाले सदस्य हैं, मैं अपने चाहने वालों सदस्यों से ये विनती करूंगा कि आप लोग राष्ट्र निर्माण पार्टी के सदस्य अवश्य बने। और ये राज आर्य सभा से भी मैं कहूंगा और निर्माती सभा से भी मैं कहूंगा कि आप लोग दलगत राजनीति छोड़िए, व्यक्तिगत राजनीति छोड़िए, दलगत राजनीति से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए राष्ट्र निर्माण पार्टी के सदस्य आप लोग बने और इस भारत को सही अर्थों में सोने की चिड़िया अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो ऋषि परंपरा में ही भारत को लाना पड़ेगा, भारत के लोगों को ऋषि परंपरा में आना पड़ेगा। अब मैं क्या क्या बताऊं बताता रहूंगा, यह आज से शुरुआत है इसकी। इसलिए मैंने केवल प्रारंभिक विचार इस तरीके से दिया और ये ईसाई मुसलमान जिस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं वो अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, 8 से 9 तक का जो हम तो पूछेंगे वाले प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप देखेंगे वो हाजी साहब क्या क्या कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सबको वेद के आगोश में आना पड़ेगा, वेद के सानिध्य में आना पड़ेगा। क्यों? कि वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उद्देश्य है, नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो मानव मात्र का चहुमुखी विकास का होना संभव नहीं है। इन्होंने बड़ा नुकसान किया, मैं तो बोला कि भाजपा का जन्म ही तुष्टिकरण में हुआ है, वरना केसरी के साथ हरा कहां से लगाइए लोग। इस भाजपा में एक कट्टर हिंदू बलराज मधोक के लिए जगह नहीं, लेकिन अब्बास नकवी के लिए, मुजफ्फर अहमद के लिए, मुजफ्फर खान के लिए और सिकंदर बख्त के लिए और 50 लोगों के लिए जगह है, क्योंकि ये इनके ही दामाद है। सिकंदर बख्त भी इनके दामाद थे और ये मुख्तार अब्बास नकवी भी इनके दामाद हैं, शहनवाज हुसैन भी इनके दामाद हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद के नजदीक आइए। ठाकुर विक्रम सिंह जी, उन्होंने बहुत वर्ष पहले ही इस पार्टी की स्थापना की लेकिन लोगों को सही ढंग से जोड़ नहीं पाए,
तो मैं अपने सभी मित्र मंडली से, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों से उनके सदस्य बनने के लिए अपील कर रहा हूं कि उनकी सदस्यता, अभी ये आज दो दिन बाद आप जंतर मंतर में वो जो फिल्म बनी है ना आर्यों के खिलाफ, उसके लिए वो धरना देने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर में, और आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग भी दिल्ली के आसपास में रहने वाले लोग जंतर मंतर में अवश्य भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग ऋषि परंपरा के साथ जुड़े। ऋषि परंपरा के बगैर चैन नहीं है, और ऋषि परंपरा को जिन्होंने तिलांजलि दिया उनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आइए, मैं सत्य को आप लोगों के सामने आज उजागर किया हूं और समय समय पर करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।